बेटमा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से छाया हुआ कोहरा गुरुवार को भी छाया रहा। शहर की गलियों से लेकर गांव तक घना कोहरा छाया रहा। सुबह 50 मीटर की दूरी तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ था। पूरा दिन धूप के दर्शन भी नहीं हो पाए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही है। कोहरा छाए रहने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सड़कों पर वाहन भी बत्ती जलाकर चल रहे थे। दृश्यता कहीं 50 तो कहीं 150 मीटर तक ही रह गई थी। सड़कों पर वाहन की गति भी धीमी हो गई। वहीं बेटमा क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जहां कुछ स्थानों पर खेती में किसानों को लाभ तो कहीं हानि होती दिखाई दे रही है। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।